स्वागत है आपका यूनिकॉर्न डील्स पर। आज मैं लेके आया हूँ फिलिप्स का सीडी साउंड मशीन, जिसका मॉडल नंबर है AZ1047। एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्टॉक पीस है सेल के लिए। तो सेट देखने से पहले एक बार हम बॉक्स का लुक देख लेंगे। तो ये रहा बॉक्स, इसका फिलिप्स की लोगो यहाँ पे दी हुई है, और ये स्पीकर का फोटो, और यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे रिप्रोड्यूस MP3 CD और कुछ लिखा हुआ है जो अदर लैंग्वेज में है। तो सारा सब कुछ अदर लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, आप चाहिए तो एक बार बॉक्स पे देख सकते हैं। कलर इसका सिल्वर है, और इस साइड पे सब कुछ इंग्लिश पे लिखा हुआ है। तो मैं एक बार पढ़ लूँगा, यहाँ पे फिलिप्स की लोगो दी हुई है, और ये सेट का फोटो, यहाँ पे एंजॉय म्यूजिक वेयर एवर यू गो लिखा हुआ है विथ MP3 CD प्लेबैक, और यहाँ पे फिलिप्स CD साउंड मशीन AZ1047, इसका मॉडल नंबर है। MP3 CD, CDR और CDRW सभी चलेगा। MP3 लिंक फॉर पोर्टेबल MP3 प्लेयर लिखा हुआ है। FM, MW स्टीरियो ट्यूनर इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ऑटो स्टॉप स्टीरियो कैसेट डेक है। CD शफल प्रोग्राम रिपीट और डायनामिक बेस बूस्ट भी मिल जाएगा फॉर डीप एंड ड्रामेटिक बेस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, और इस साइड पे आपको इंग्लिश पे लिखा हुआ है, तो ये भी मैं पढ़ लूँगा। यहाँ पे फिलिप्स दिया हुआ है, फिलिप्स CD साउंड मशीन, और उसका मॉडल नंबर MP3 CD, और सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब कुछ सेम ही है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली मैं सेट आपको बता दूंगा, जो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्टॉक पीस है। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक, तो आप एक बार इसका क्लोज लुक देख सकते हैं। यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है ये, और ये फ्रंट लुक है, और ये इसका कैरी करने का हैंडल है, और ये बैक साइड पे पावर सप्लाई है, और नीचे के हिस्से में फिलिप्स की लोगो स्टिकर्स दी हुई है। तो एक बार मैं इसका भी क्लोज लुक बता दूंगा, आप चाहिए तो पास करके भी पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी फीचर्स बता दूंगा डायरेक्टली। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब मिल जाएगा ऊपर के हिस्से में, और यह DBB लिखा हुआ है, जिसका मतलब डबल बेस बूस्ट है। और यहाँ पे लिफ्ट ओपन करने से आपको यहाँ पे ऑडियो CD MP3 सब डाल सकते हैं, जो रीराइटेबल भी है, रिकॉर्डेबल भी चलेगा। और ऊपर के हिस्से में आपको MP3 CD प्लेबैक MP3 लिखा हुआ है। कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो CD साउंड मशीन AZ1047, इसका मॉडल नंबर। और यहाँ पे लिफ्ट टू ओपन लिखा हुआ है, तो ये ओपन करने के लिए। और ये कैसेट्स का, कैसेट प्लेयर का बटन है, जहाँ पे पास, स्टॉप, रिवाइंड, फॉरवर्ड, प्ले और रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस साइड पे यहाँ पे MP3 लिंक दिया हुआ है, और ये लास्ट में आपको ट्यूनिंग मिल जाएगा, जो FM और MW को ट्यून कर सकते हैं। और ये कैरी करने का एकदम ब्यूटीफुल खूबसूरत हैंडल दिया हुआ है, और हैंडल के पीछे आपको ये FM का एंटेना मिल जाएगा, और इसको बंद भी कर सकते हैं एंटेना बाहर निकालने के बाद, जिसका लंबाई लगभग 2 फीट से ज़्यादा ही है। तो ये रहा इसका टॉप लुक। और फ्रंट लुक पे आपको यहाँ पे CD एक्सेस करने के लिए, एल्बम नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए, MP3 का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कौन सा गाना पहले कौन सा गाना बाद में चलेगा प्रोग्राम कर सकते हैं, मोड दिया हुआ है। और गाना प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं, इसी बटन्स पे आप फॉरवर्ड और रिवाइंड भी कर सकते हैं, कंटिन्यूसली प्रेस करके रिवाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेस करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए सिंगल प्रेस करना पड़ेगा, और ये स्टॉप बटन, और ये गाना प्ले पॉज करने के लिए बटन है, और ये छोटा सा LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। और मैं अभी यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, स्टीरियो है इसलिए 2 स्पीकर्स, और ये ओपन करने से यहाँ पे कैसेट डाल सकते हैं, तो कैसेट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप ये स्टिकर भी देख सकते हैं, अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, जो भी ख़रीदेंगे वही फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। तो अभी राइट साइड पे मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे FM और MW ट्यून करने के लिए ऐसा एनालॉग कंट्रोल दिया हुआ है, जो आप ट्यून करके भी सुन सकते हैं। लेफ्ट साइड पे FM, राइट साइड पे MW, तो यहाँ पे टॉगल स्विच, एनालॉग स्विच ही दिया हुआ है, और इस साइड पे बस इतना ही। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे CD प्ले करने के लिए CD, उसके अगला बटन ट्यूनर, और उसके बाद MP3 लिंक, और उसके बाद टेप चलाने के लिए या ऑफ करने के लिए, दोनों के लिए लास्ट राइट लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और बैक साइड पे आपको 230 वोल्ट AC मेंस लगाने के लिए, जो स्टैंडर्ड फिलिप्स कनेक्टर है, वो मिल जाएगा। और नीचे के हिस्से में आप ये
हाउसिंग ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 6 बैटरीज लगा सकते हैं, जिस यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशन यूज़ ओनली कार्बन जिंक और अल्कलाइन बैटरीज, तो यहाँ पे और 14 बैटरीज मिल जाएगा आपको लगाने के लिए, स्पेस मिल जाएगा। तो अराउंड 1.5 वोल्ट से, तो 1.5 वोल्ट की 6 बैटरी लगाने से आपको 9 वोल्ट बन जाएंगे। आर 14 बैटरीज है इसका। तो ये रहा इसका पोर्टेबल स्पीकर बनाने के लिए, आप बैटरी लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप यहाँ जो भी जहाँ भी जाएंगे आप कैरी करके जा सकते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय फिलिप्स हॉलैंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एम्बोजी कर दिया है, डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय फिलिप्स हॉलैंड। तो इसका एकदम प्रीमियम लुक है, बहुत अच्छा प्रीमियम लुक है दूसरे मॉडल्स के मुकाबले में। तो अभी टाइम आ गया है आपको इसका वर्किंग फंक्शनैलिटी दिखाने का, मैं एकदम पूरा वर्किंग फंक्शनैलिटी इसका परफेक्टली आपको दिखा दूंगा। अभी मैं डायरेक्टली आपको 230 मेंस लगा के इसको कम्प्लीटली वर्किंग फंक्शनैलिटी चेक करके बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं कैसेट प्ले करूंगा। कैसेट प्ले करने के लिए यहाँ पे टेप और ऑफ राइट साइड पे है, उसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने। तो अभी डायरेक्टली ओपन करके तो अभी प्ले करूँगा। तो एकदम परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है, बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी है, कैसेट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा। तो ये रहा कैसेट का फंक्शनलिटी, और चाहिए तो मैं आपको इधर इसका रिवाइंड फॉरवर्ड बता दूंगा। ये हो रहा है फॉरवर्ड, आवाज़ आ रहा है। तो ये रहा रिवाइंड, तो ये भी हो रहा है। अभी मैं पॉज भी करके बता दूंगा, ये हुआ पॉज। तो ये रहा कंप्लीट कैसेट का फंक्शनैलिटी। अभी मैं आपको सीडी प्ले करके बता दूंगा। सीडी प्ले करने के लिए सबसे उधर तरफ पे, सबसे लास्ट पे उधर मैंने पुश कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सीडी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डैश डैश आ गया है अभी डिस्प्ले में सीडी के लिए। और ये सीडी है कॉपीराइट फ्री, तो मैं ये लंबा भी बजा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने इसका कवर बंद कर दिया है। अभी सीडी रीडिंग होके गाना भी चालू हो जाएगा। यहाँ पे रीडिंग हो गया है, 12 गाना, 12 गाना है यहाँ पे। तो अभी मैं डायरेक्टली प्ले करूँगा तो गाना चालू हो जाएगा। प्ले कर दिया मैंने। पॉज कर दिया मैंने। डबल बेस है ये, इसको दबाएंगे तो डबल बेस हो जाएगा बूस्ट। अभी प्ले करूंगा, बाद में नेक्स्ट प्रीवियस भी करके बता दूंगा। ये अभी मैं डायरेक्टली प्रीवियस, तो अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। एक बार आपको फॉरवर्ड रिवाइंड भी बता दूंगा, क्योंकि एक ही बटन पे वो फंक्शनलिटी मिल जाएगा। अभी प्ले करूंगा कंटिन्यूसली प्रेस करने से फॉरवर्ड है। तो ये कंटिन्यूसली प्रेस करने से रिवाइंड है। तो ये हो गया सारा फंक्शनैलिटी। सीडी में बाहर निकालूंगा, ये रिकॉर्डेबल सीडी है, रिकॉर्ड करके रखा है मैंने डेमो के लिए। तो सीडी का फंक्शनैलिटी भी पूरा हो गया, यहाँ पे डबल बेस भी बता दिया। अभी मैं एफएम चालू कर दूंगा, और इस वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात के 2:30 बजे हो चुके हैं, एमडब्ल्यू मिलना बहुत मुश्किल है। एफएम मैं दिखा देता हूँ, एमडब्ल्यू भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में पीस है ये। तो एफएम भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं सुनूंगा, कॉपीराइट का इशू बहुत आता है यूट्यूब पर।
VMAFM. तो एक बार MW भी ट्राई करेंगे, बहुत मुश्किल है मिलना। तो MW नहीं मिल रहा है, सब चैनल साइलेंट में है। FM तो मिल जाएगा, फिर भी दो तीन चैनल्स यहाँ पे। तो ये रहा FM का वर्किंग फंक्शनलिटी, जो एकदम परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। कंडीशन तो आपने देख ही लिया है। तो एक बार मैं फिर से इसका क्लोज लुक आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पे मेन्स कार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये रहा इसका क्लोज लुक, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिल जाएगा। ऊपर भी देखिए, तो अगर आप इस प्लेयर को ख़रीदना चाहते हैं, पोर्टेबल मशीन को, तो यहाँ पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ख़रीद सकते हैं। इसका प्राइस मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए यूनिकॉर्न डील्स को। तो अभी के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, पूरा पेमेंट करने के बाद आपको इंडिया पोस्ट के द्वारा आपको पोस्ट कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर, और उसका रिसिप्ट और ट्रैकिंग नंबर के लिए उसका ट्रैकिंग नंबर भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अगर आप और इसकी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तुरंत आप वीडियो देख के अगर माल अच्छा रहा तो आप खरीद भी सकते हैं। और मैं एक बार बता दूंगा इसके साथ क्या मिलता है करके। ये प्लेयर मिल जाएगा और इसका पावर कार्ड मिल जाएगा, और बॉक्स पे यूजर मैनुअल या जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो आप बॉक्स, ये प्लेयर और ये केबल पकड़ के चलिए, यूजर मैनुअल रहेगा तो आपको भेज देंगे। तो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन पे स्टॉक लॉट का माल है, वर्किंग कंडीशन में, जो मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।